हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे हम किस तरीके से एनालाइज करके हम क्या अनुमान लगाए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो हम इंट्राडे पे लेंगे तो हमें उससे अच्छा खासा प्रॉफिट हो पाएगा, चाहे बाय साइड में हो चाहे सेल साइड में हो। मार्केट अभी जो कुछ टाइम से हमें एक दो दिन से ट्रेड ऊपर या नीचे दोनों साइड की दे रही है, तो हम दोनों तरीके से मार्केट में कौन से स्टॉक्स बाय या सेल करके पैसा कमा सकते हैं। कल थर्सडे एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी 19th of September को। सो गाइस, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए कल के लिए, कौन से स्टॉक्स अब बाय या सेल करके चल सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या एनालिसिस करें तो हमें क्या पता चल रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। सो गाइस, आप देख रहे होंगे कि मैं कुछ टाइम से यूट्यूब पे नहीं आ पा रहा था और मैंने जो investing.com पे है वहां पर भी आर्टिकल्स बनाना बहुत कम कर दिए थे। सो गाइज, मैं अभी अपने कुछ एग्जाम्स के चक्कर में बिजी था तो मैं उस चक्कर में नहीं आ पाया था यूट्यूब चैनल में, पर अब मैं रेगुलरली आऊँगा और रेगुलरली आपके साथ अपडेट लेकर आऊँगा। सो गाइज, आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सबके साथ शेयर करी जाएगी। साइड बाय साइड में और भी न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स भी लेकर आने की कोशिश करूंगा जिससे मार्केट पे या पर्टिकुलर उन स्टॉक्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है तो आपको भी अच्छा खासा फायदा हो जाए। तो गाइस, कौन से स्टॉक्स हैं अगर हम बाय करके चले तो हमें अच्छा खासा फायदा होगा, और सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। आपको मैं सबसे पहले पर्टिकुलर जो मेरे तीन स्टॉक्स हैं उनका बाय और सेल टारगेट और स्टॉप लॉस आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम चार्ट्स में जाके उसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहला है HDFC बैंक, शॉर्ट करने की सलाह दी जाएगी आपको। 2171-2158 तक के टारगेट्स में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। करंट मार्केट प्राइस जो आप नीचे देख रहे हैं वो 2187 है, स्टॉप लॉस आपको 2201 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। गेल बाय साइड में है, 138-144 तक के टारगेट्स में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। स्टॉप लॉस आपको इसमें 130 का लगा के चलना है, करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है इसका 135 चल रहा है। सॉरी गाइज, आपको ये करंट मार्केट प्राइस 132 दिख रहा होगा, एग्जैक्ट इस लेवल पे ब्रेकआउट दिया था तो मैंने यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस 132 कर दिया होगा, पर इसका करंट मार्केट प्राइस 135 के आसपास है। टाइटन शॉर्ट करने की सलाह है 1171 के आसपास, यानी कि करंट मार्केट प्राइस जो है उससे अगर आपको 4-5 रुपये ऊपर मिलता है तो शॉर्ट करिए। स्टॉप लॉस आपको 1180 का मेंटेन करना है। टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1160-1150 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गाइज, ये जो आपको टारगेट और स्टॉप लॉस बताया जा रहे हैं वो अगर आप एक या दो दिन के पर्पस से होल्ड करके चलेंगे तो मैं आपको कह सकता हूँ कि ये जो आपके टारगेट्स हैं वो दोनों के दोनों अचीव हो जाएंगे। अगर आप इंट्राडे के बेसिस में आप काम कर रहे हैं तो जो आपको पहला टारगेट दिया जा रहा है पहला टारगेट पे आप एग्जिट करके चल सकते हैं या उसके आसपास हमारे इंट्राडे टारगेट्स हिट जरूर हो जाएंगे। सो गाइज, अब बढ़ते हैं स्टॉक्स के चार्ट्स की तरफ और बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट्स की तरफ और देखते हैं कि क्या चल रहा है और मैंने आपको पर्टिकुलरली क्यों स्टॉक्स बाय या सेल के तरीके में रिकमेंड आपको करा है। तो गाइस, सबसे पहले HDFC बैंक की बात करते हैं। तो HDFC बैंक का मैंने चार्ट ओपन करके रखा हुआ है गाइस, तो HDFC बैंक के चार्ट पे अब हम जाके देखेंगे कि किस तरीके से क्या पैटर्न बन रहा है और वहां पर जाके हम उसके बारे में तब उसकी एनालाइज करेंगे। जी गाइस, सो अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक रेंज बना दिया है। अगर आप रेंज देखेंगे तो इस रेंज में आप देख पा रहे होंगे कि HDFC बैंक किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। सो गाइस, मैंने एक लाइन और ड्रॉ कर दिया, इन द सेंस ये हमें एग्जैक्ट इंडिकेट कर रहा है कि ये एक बियरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना है। डेली चार्ट के अंदर हम देख रहे हैं HDFC बैंक के अंदर। सो गाइस, बियरिश फ्लैग एंड पोल का पैटर्न का जो ज्यादातर हम देखते हैं कि जो इंडिकेशन और जो टारगेट आते हैं वो नीचे की तरफ आते हैं, यानी कि वो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है ना कि ऊपर की तरफ ज्यादातर ब्रेकआउट देता है। 70-30% चांसेस होते हैं, 70% होते हैं कि नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा और 30% होते हैं कि ऊपर की तरफ देगा। पर गाइस, अगर नीचे की तरफ देता है तो टारगेट जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, यानी कि ऊपर से नीचे आके हमने देखा कि एक छोटा मोटा रेंज बनाया, उसके बाद दोबारा वो अपने कंटिन्यूएशन पैटर्न यानी कि दोबारा नीचे की तरफ चला गया। सो ये एक अच्छा खासा पैटर्न माना जाता है। सो आप देख सकते हैं कि हम देख रहे हैं कि जो ऊपर की तरफ इसने हाइज बनाए थे वो वहाँ पर 100 डे और 50 डे दोनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस थे, जहाँ पर हम देख रहे थे वो एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था गाइस। सो मुझे लगता है कि वहाँ पर हमने एक सप्लाई जोन बहुत ज़्यादा देखी और वहाँ से हमने देखा कि एक नीचे की तरफ एक
जोन देखने को मिली है, और वहां से कम से लगभग ही 100 पॉइंट की करेक्शन दिखा चुका है। और गाइस अभी भी मुझे लगता है कि अगर ये 2180 का लेवल ब्रेक करता है तो गाइस वहां से वो 2150 तक, यानी कि वहां से वो 30 पॉइंट तक की गिरावट और दिखा सकता है गाइस। मिनिमम टू मिनिमम मुझे लगता है 30 पॉइंट तक की गिरावट दिखा सकता है, वहां से हम एक बाउंस और देख ले। और गाइस अगर वो 2150 के लेवल को ब्रेक कर दे तो गाइस वहां से हम अच्छे खासे लेवल्स नीचे की तरफ, डाउन साइड की तरफ देख सकते हैं। तो अभी के लिए हम अभी सिर्फ बात करते हैं कि इंट्राडे या 2 दिन के पोजिशनल पर्पज से HDFC बैंक में आप शॉर्ट जा सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 2130। जो सेफ ट्रेडर्स हैं उनके लिए यही सलाह दी जाएगी गाइस कि अगर 2180 का लेवल नीचे की तरफ तोड़ता है तो आप वहां पर शॉर्ट जाइए, 2160 2150 तक के लेवल हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। गेल की बात करें तो गाइस गेल में हमने देखा है कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न हमें देखने का मिला है और उसका एक ब्रेकआउट देखने को मिला है गाइस। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न का पैटर्न बना रखा है और यहाँ पर हमने एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। और ब्रेकआउट में अगर मैं इसे जूम आउट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस लेवल पे आप देख रहे थे कि इसने 100 डे और 50 डे दोनों दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एक गैप डाउन ओपनिंग से इसने ब्रेक करा। और हम देख रहे हैं कि कब की बात है ये, हम देख रहे हैं कि अप्रैल में गाइस, अप्रैल की स्टार्टिंग पे हमने देखा कि 5 महीने हो चुके हैं, ये 5 महीने से 50 दिन और 100 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है पर्टिकुलर गेल का स्टॉक। अब देख रहे हैं कि वहां से पर्टिकुलर स्टॉक एक, और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर इसने एक पैटर्न डेवलप करा, सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न, और वहां से हमने एक ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट भी आप देख सकते हैं गाइस, एग्जैक्ट 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर। 5 महीने के बाद जाके ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाने में बंद हुआ और कामयाब हुआ। सो गाइस ये एक अच्छी बात है और गेल के लिए, तो मुझे लगता है गाइस कि यहाँ से हम एक अच्छी अपसाइड देख सकते हैं। हो सकता है कि गेल 130 135 के आसपास थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करे और उसके बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट दे। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 1-2 दिन वेट करिए, या मुझे नहीं लगता ये 1-2 दिन के लिए भी स्टॉक है। मुझे लगता है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ रही तो यहाँ से एक अच्छा खासे 10 से 12 रुपए तक की मूवमेंट भी दे सकता है गाइस। अब हम इसका टारगेट कैसे पता लगाएं, तो गाइस आप देख सकते हैं जो ये रेंज है वो रेंज है 132 से लेकर या 133 से लेकर हम देख सकते हैं 120, यानी कि 12 से 13 रुपए के बीच में हम मान के चल सकते हैं इसकी रेंज है। तो गाइस यहाँ से जो इसकी रेंज है उसी रेंज तक हम ऊपर एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इसने 132 का लेवल तोड़ा तो यहाँ से अगर हम मान के चले तो अगर 12 रुपये और ऐड करते हैं तो यानी कि यहाँ से हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि 144 या 145 तक का टारगेट हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और आप देख सकते हैं जो मैंने आपको सिर्फ एक रेंज का टारगेट बताया, वो रेंज का टारगेट एग्जैक्ट हमें 100 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे लेकर जा रहा है जो कि 144 से 145 के पास है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पैटर्न हमें टारगेट सजेस्ट कर रहा है, और वहीं पर ही जाके हमें एक सप्लाई जोन या एक एग्जैक्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है जो 5 महीने का रेजिस्टेंस है। दूसरी बात गाइस, अगर हम शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करें तो इसका अगर हम 12 पॉइंट का जो डिफरेंस है अगर उसका हम हाफ करें यानी कि 6 रुपये, तो मुझे लगता है कि 132 से 133 पॉइंट अगर हम 6 रुपये लेकर चलते हैं तो 138 कल का टारगेट मैं एक्सपेक्ट करके चल सकता हूँ कि मुझे लगता है कि 138 के आसपास या 139 तक के आसपास ये टारगेट दिखा सकता है। और वहां पर आप एक प्रॉफिट बुकिंग इंट्राडे बेसिस के अंदर भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका कहाँ होगा, जो इसकी हमने देखा जो एक रेजिस्टेंस है उसका जो ब्रेकआउट देखने को मिला है 131 के नीचे, यानी कि एक हम मान के चल सकते हैं 130 के नीचे का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना पड़ेगा इसके अंदर। टाइटन पे आते हैं गाइस, तो टाइटन की भी बात कर लेते हैं। तो टाइटन हम देख रहे हैं कि कुछ टाइम से हमें टाइटन बहुत बुलिश देखने को मिल रहा है, और हमने देखा कि 1000 से लेवल पे ये 1200 रुपये के लेवल तक कुछ ही टाइम पे चला गया, एट अ मैटर ऑफ टाइम। तो गाइज इसी हफ्ते या 1.5-2 हफ्ते के अंदर हमने देखा कि यहाँ से 200 रुपये की मूवमेंट टाइटन के अंदर हमें आते हुए देखने को मिल गई है गाइज। अब दूसरी बात, अब टाइटन के अंदर बन क्या रहा है और क्या है, तो अब मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा टाइटन के अंदर एक ए बी इक्वल्स टू सी डी पैटर्न डेवलप हुआ, यानी कि एक बियरिश ए बी इक्वल्स टू सी डी पैटर्न डेवलप हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ से पर्टिकुलर टाइटन ने एक अप मूव दी, एक शॉर्ट फॉर्म हमें एक देख सकते हैं कंसोलिडेशन देखने को मिला है, यानी कि जो एक अप मूव थी उसका एक छोटा सा करेक्शन था और उसके बाद हमने एक दोबारा एक अप मूव देखी। तो
सो गाइस ये जो ए बी हम कह सकते हैं, ये जो अपमूव है इसे हम ए बी कह देते हैं, ये बी सी कह देते हैं, जो एक हमने एक शॉर्ट टर्म करेक्शन देखने को मिला इस, और ये एक है सी डी। सो यानी कि जो ए बी है और जो सी डी है, जो दोनों का जो हम अपमूव कह सकते हैं वो दोनों का सेम है। इन द सेंस अगर मैं आपको समझाऊं, अगर आप ए का बॉटम देखे, जो एक अगर का ए का अगर आप प्राइस देखे तो वो 1020 1025 के आसपास है, और अगर आप बी देखे तो बी है 1120 के आसपास। यानी कि कुल हम मान के चल सकते हैं 100 पॉइंट का डिफरेंस, 100 110 का। अगर आप यहाँ से देखते हैं, अगर हम सी डी पैट लाइन की बात करें तो सी डी का जो सी है वो है 1080, और अगर हम मान के चले डी वो भी 1080 पे है, तो मान के चल सकते हैं कि इसने 100 रुपए की रैली दी और यहाँ पर भी इसने 100 रुपए की रैली दी, और वहां से हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। ये एक बियरिश हेड एंड शो बियरिश ए बी इक्वल्स टू सी डी पैटर्न होता है। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो अपने बी के लेवल तक तो आराम से आ सकता है, जो कि 1115 का लेवल है। मुझे लगता है कि यहाँ से 50 रुपए तक की गिरावट हम एक एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। दूसरी बात, अब मैं इसमें आर्ली चार्ट में डेली चार्ट में लेकर जाता हूँ, मैंने ये आर्ली चार्ट ओपन करके रखा हुआ था गाइस। डेली चार्ट पे जब मैं आपको लेकर गया तो आप देख सकते हैं कि हमने कुछ टाइम पहले यहाँ पर हमने एक देखी थी कि एक गिरावट आई थी। आप देख सकते हैं कि 1250 से इसने गैप डाउन ओपनिंग दी थी, और 1250 से सीधा ये 1180 पे खुला था, यानी कि कुल इसने 70 से 80 पॉइंट तक की गिरावट, ये गैप डाउन ओपनिंग दी थी। उसके बाद हम देख रहे हैं कि तब से लेकर अब तक, यानी कि 2 महीने पुरानी बात है ये गाइस, 2 महीने पुराने इसने गैप डाउन ओपनिंग दी थी, और 2 महीने से हम उसके नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं, जो गैप डाउन ओपनिंग थी यानी कि 1180 के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन पे हमने देखा था कि अगर हम बात करें ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन पे, तो उसने 1180 का लेवल टेस्ट करा, आप देख सकते हैं, और वहां से हमने देखा कि एक नीचे की तरफ उसने बियरिश हैमर बनाया है गाइस, आप देख सकते हैं एक बियरिश हैमर बनाया और उसके नीचे जाके क्लोजिंग दे दी। सो उसका हमने हाई देखा, जो शेडो थी बस शेडो ही उसे टेस्ट करी, और हमने नीचे के लेवल्स आते हुए देखने को मिल रहा है। सो गाइस मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, जो चार्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर मैं एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो, अगर मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो गाइस आपको इसमें भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक इसमें भी रेजिस्टेंस फेस करने को हमें मिला। 3 बार हम देख चुके हैं कि 3 चीजें सजेस्ट कर रही है कि 1180 पे एक रेजिस्टेंस है, और वहां पर अगर आपको उसके आसपास मिलता है तो टाइटन को शॉर्ट करके चलिए। जो टारगेट हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं वो 1115 से 1120 तक एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, जो डेली चार्ट में भी 100 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सजेस्ट कर रहा है। सो यहाँ तक मुझे लगता है टाइटन के जाने की प्रोबेबिलिटी है। सो अगर आपको थोड़े बहुत हाई लेवल में मिलता है तो शॉर्ट करिए, या फिर गाइस अगर आप शॉर्ट की पोजीशन टाइटन में नहीं बनाना चाहते तो मैं आपको सलाह यही दूंगा कि 1180 के ऊपर 2 या 3 दिन रुकता है, पॉजिटिव हम वॉल्यूम्स देखते हैं कि वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हो, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा हो, तो ही हम अपनी बाय पोजिशन इनिशिएट करेंगे, और हमारा जो 3 से 4 हफ्ते का टारगेट होगा वो 1250 का हो सकता है, यानी कि वहां से 70 पॉइंट तक की हम और अपमूव देख सकते हैं। सो गाइस बाय पोजीशन आप तभी बनाइए जब 1180 के ऊपर जाके रुकता है, या फिर शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर करके जिस तरीके से चार्ट पैटर्न सजेस्ट कर रहा है। अब आते हैं गाइस हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर, तो निफ्टी के चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप देखिएगा कि इसमें भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न बना जिसका ब्रेकडाउन निफ्टी ने दिया। अब आप देख सकते हैं कि ट्यूसडे के सेशन पे निफ्टी ने सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया, और जो निफ्टी ने आज हाई मारा वो एग्जैक्ट हाई अपने इस ट्रेंड लाइन पे ही मारा है। ये आप इधर ही मान के चल सकते हैं कि एग्जैक्ट जो इसका हाई था वो ट्रेंड लाइन को छूने की कोशिश करी, देख सकते हैं पहले इसका रेजिस्टेंस था, ब्रेक करा, क्लोजिंग भी अब रेजिस्टेंस के नीचे, सपोर्ट जो सॉरी मैं कह रहा हूँ सपोर्ट था, सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दी, और वही अब आज के दिन वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए दिन उसके लिए वो रेजिस्टेंस बन गया। सो गाइज मैं आपको यही सलाह दूंगा कि 10,880 या 10,900 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके एक बार निफ्टी पे शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर मैंने जो मेरे क्लाइंट्स थे जो मेरे थे उन लोगों को भी मैंने अपने लिए डाला था कि 10,880 या 10,900 के आसपास आए तो वहाँ पर अपनी एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, पूरा टारगेट ऑफ 10,800 का लेवल। और गाइस जिस तरीके से ये लेवल ब्रीच हुआ है, मैं आपको एक नेक्स्ट टारगेट बता सकता हूँ, जो नेक्स्ट टारगेट इसका हो सकता है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैं ट्रेंड लाइन ओपन कर लेता हूँ,
नेक्स्ट टारगेट इसका जो हो सकता है वो हो सकता है प्रीवियस स्विंग लो, जो कि गाइज मुझे लगता है कि 10,750 का लेवल है, वहां तक जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी है। गाइज अब आप देख सकते हैं सब लोग आपको कह रहे थे कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न डेवलप हो रहा है। हाँ गाइज ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में जो मैंने बनाई हुई थी उस पर भी मैंने आपको कहा था कि सेकेंड शोल्डर राइट शोल्डर बन रहा है और वो बन गया था। आप देख सकते हैं ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, इसका ब्रेकआउट आना था। आप देख सकते हैं कि 4 दिन पहले फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन पे इसका ब्रेकआउट आना था पर ब्रेकआउट नहीं आया एग्जैक्ट, उसने वहां पर रेजिस्टेंस फेस करा, वहां से हमने देखा 11,100 के आसपास इसमें एक हमने देखा एक सेलिंग आ गया, सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। हमने देखा कि हेड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ये क्या बुलिश हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिला, उल्टा वो दोबारा हम देख रहे हैं कि वो दोबारा नीचे चला गया। सो गाइस कभी कभार होता है कि जो शोल्डर है वो दोबारा एक बार बनाने की कोशिश करता है, और जब दोबारा बनाने की कोशिश करता है तो इसका प्रीवियस शोल्डर है वहां तक वो प्रोबेबिलिटी जाता है। तो इसका जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे लगता है 10,750 के आसपास तक आ सकता है गाइस। कल हम देख सकते हैं कि आज रात या कल फेड का आउटकम भी आना है, इंटरेस्ट रेट के ऊपर कितने बेसिस पॉइंट वो कम करता है या नहीं भी करता वो भी हमें देखना है। जो हम देख रहे हैं जो क्रूड ऑयल की प्राइसेज इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं उस पर क्या इम्पैक्ट आने वाला है गाइस, बहुत सी मीटिंग्स हैं और उन सब चीज़ों को हमें रखते हुए हमें देखना है कि गाइस क्या जा सकता है। मुझे तो निफ्टी बैंक निफ्टी या मार्केट अभी वीक लगती है, बैंकिंग स्टॉक्स भी बहुत वीक लगते हैं। आज हमने जो छोटा मोटा बाउंस देखा भी है वो देखा है कि जो इतनी गिरावट आ चुकी है वहां से थोड़ा बहुत करेक्शन रिकवर करने की कोशिश कर रहा था कि हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दोबारा मिल जाए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पे भी आप देख सकते हैं ऐसे ही तरीके से एक एक सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न या फिर हम एक कह सकते हैं एक चैनल के अंदर काम कर रहा है बैंक निफ्टी, और चैनल का अभी तक हम देख सकते हैं अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले देखें तो निफ्टी ज्यादा वीक है बैंक निफ्टी के मुकाबले। तो अगर आपको शॉर्ट साइड में जाना भी है तो आप बैंक निफ्टी को छोड़ के निफ्टी पे ही जाइएगा गाइस, बैंक निफ्टी पे मत जाइएगा। दूसरी बात गाइस आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने अभी तक अपने प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करा है, और प्रीवियस सपोर्ट जो इसका आ रहा है वो 26,700 के आसपास आ रहा है, जो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी जा सकता है अगर बैंक निफ्टी अपना प्रीवियस स्विंग लो टेस्ट करता है। तो मुझे लगता है कि वहां तक अगर निफ्टी जाता है 10,750 तक तो बैंक निफ्टी भी प्रोबेबली यहाँ से कम 400 से 500 पॉइंट तक की करेक्शन भी दिखा सकता है। दूसरी बात गाइस बैंक निफ्टी पे मैं आपको ट्रेड लेने की सलाह दो रीजन से नहीं दे रहा हूँ, दूसरी बात कि निफ्टी बहुत ज्यादा वीक है तो आप उस पर एक ट्रेड लीजिए, बैंक निफ्टी पे तो आपको मैं बाय की सलाह देता भी नहीं। दूसरी बात एक पैटर्न बुलिश पैटर्न डेवलप हो रहा है गाइस, जो बुलिश पैटर्न सजेस्ट कर रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से दोबारा 27,600 या 27,700 तक जा सकता है, वो पैटर्न भी मैं आपको दिखा देता हूँ जी गाइस। वो जो पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है बुलिश साइफर पैटर्न, आप देख सकते हैं ये एक बुलिश साइफर पैटर्न है जी गाइस, ये एक हमने देखा है कि बुलिश साइफर पैटर्न बना है, और जो इसका टारगेट होता है वो हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि इसका पूरा प्रीवियस यहां तक तो होता ही होता है, यहां तक का टारगेट हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, यानी कि जो भी है 27,600 तक का लेवल हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि ये पैटर्न दिखा सकता है आली चार्ट में है, तो मुझे लगता है एक्सपेक्ट करके चल सकता हूँ 2 या 3 दिन के अंदर अंदर ये 27,600 का लेवल भी दिखा सकता है गाइस। दूसरी बात ये कंफर्मेशन अगर आप बुलिश साइफर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको अगली वीडियो में भी इसके बारे में अच्छे से बताऊंगा कि कैसे हम पता लगाते हैं कि कोई एक बुलिश साइफर पैटर्न बना है या नहीं बना हुआ। अगर आपको देखना है मैं आपको इसी में थोड़ा बहुत बता देता हूँ गाइस, फिबोनाची के बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि एक साइफर परफेक्ट साइफर बना है या नहीं बना हुआ। सो गाइस यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन मैं फिबोनाची बनाऊंगा और उस पर आप देखिएगा कि ये जो लेवल है ये लेवल कहाँ तक गिर सकता है वो आपको अपने आप पता चल जाएगा। ये देखिए गाइस यहाँ से मैंने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल बना दिया है जी गाइस, टॉप बॉटम से लेकर टॉप तक मैंने बना दिया, और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, एग्जैक्ट 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है बैंक निफ्टी। सो हमारे लिए बैंक निफ्टी पे शॉर्ट पोजीशन कब इनिशिएट होगी, जब ये 27,100 के लेवल को ब्रीच कर देगा, 27,100 के लेवल को ब्रीच करेगा तो हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करके चल सकते हैं, या फिर अगर आप एक रिस्की ट्रेडर है अगर आप एक कॉन्ट्रा बाय लेना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकती है तो
तो भी आप बाय करके चल सकते हैं इसे। और आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना पड़ेगा वो स्टॉप लॉस इसका इसी रेंज का लो रखना पड़ेगा जो कि 27,050 का है। 27,050 के लो के साथ अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे तो मुझे लगता है वहां से आपको 27,300, 27,500 और 27,600 ये तीन टारगेट आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं जो मुझे लगता है कि आपको दिखा सकता है। गाइस आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल तक यहाँ पर ये जा सकता है टारगेट, तो मैं आपको बता चुका हूँ। और दूसरी बात मैं आपको और दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये पैटर्न मुझे बता रहा है। अब आप देख सकते हैं साइफर, जब हमें ये बॉटम फाइंड करना होता है तो हम बॉटम फिबोनाची का यहाँ से लेकर इस टॉप तक लेते हैं, पर जब हमें दूसरी चीज फाइंड करनी पड़ती है कि एक साइफर है एग्जैक्टली, तो उसके लिए हमें यहाँ तक का बॉटम लेना पड़ता है, यहाँ तक का हम टॉप लेते हैं। और ये जो गिरावट आई है गाइस, ये गिरावट आती है 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल तक। अगर उसके नीचे आती है तो हम नहीं मानते, या फिर गिरावट ये आए 38.2 या फिर 50% रिट्रेसमेंट लेवल तक आती है तो हम मान सकते हैं कि एक साइफर परफेक्ट साइफर बना है। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट जो इसका लो है वो 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल है, उसके बाद हायर साइड में चला गया। तो मैं आपको इसको कंप्लीट पैटर्न को अच्छे से समझाने में अगली वीडियोस आएंगी मेरी, उस पर मैं आपको समझाऊंगा पैटर्न्स के ऊपर। पर जिस तरीके से मुझे बैंक निफ्टी सजेस्ट कर रहा है मैं इस पर कोई ट्रेड नहीं ले सकता क्योंकि ये हायर साइड में भी दिखा रहा है और लोअर साइड में भी जाने में दिखा रहा है। सो अभी बैंक निफ्टी पे आप ट्रेड मत करिए, या फिर अभी मैं आपको सलाह दूंगा तो इंडेक्स पे ट्रेड मत करिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए और जो मैंने आपको स्टॉक सजेस्ट करे उन्हीं पे ट्रेड करके आप पैसा कमाइए गाइस। गाइस दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल है वहाँ आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ट्रेड डीलर्स के नाम से मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर अगर आप जाके जुड़ेंगे तो मैं आपको डेली लाइव इंट्राडे कॉल्स प्रोवाइड कराऊंगा जो भी मैं आपको दे सकता हूँ। दूसरी बात, जो मैं आपको यूट्यूब पे, जो भी मैं आपको यूट्यूब पे कॉल्स दे रहा हूँ, जो मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप उस पर पर्टिकुलरली ट्रेड नहीं ले पा रहे हैं, कैसे ट्रेड लेना है, क्या टारगेट क्या स्टॉप लॉस, आपको एक बार दोबारा रिमाइंडर चाहिए गाइस, तो वो टेलीग्राम चैनल पे सुबह जब मार्केट ओपन होगा तो भी मैं आपके साथ जुड़े रहूंगा और आपको बताऊंगा कि जो मैंने आपको ये तीन स्टॉक्स दिए उस पर किस तरीके से ट्रेड लेना है, कब बाय और कब शॉर्ट जाना है, तो उस पर आपको मैं बताते रहूंगा। टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जाएंगे अपना डाउनलोड करेंगे, अगर आपके पास नहीं है, अगर आप ऐप ओपन करेंगे तो ऊपर सर्च का बार आएगा ऑप्शन, वहां पर जाके सर्च करिए ट्रेड डीलर्स। ट्रेड डीलर्स पे अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको मेरे नाम का एक दिख जाएगा, आप वहां पर जाइए, ज्वाइन हुई 400 सब्सक्राइबर्स है, आप जाके ज्वाइन हुई आपको पता चल जाएगा, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे ट्रेड डीलर्स का लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, वहां पर जाके भी आप उसे देख सकते हैं। गाइस ट्विटर पे मुझे जरूर फॉलो करिए, वहां पर भी मैं अपडेट्स डालते रहता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उस पर भी अपडेट्स डालते रहता हूँ, वहां पर जाके मुझे फॉलो करिए, आपको वहां पर भी इंपॉर्टेंस बहुत मिलेगी गाइस। दूसरी बात, आप ट्विटर पे भी मेरे साथ कमें मुझे भी मैसेजेस करके मेरे साथ प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे भी मुझे प्रॉब्लम शेयर जरूर कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए गाइस और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे जो मेरी अब लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोस हर दिन आपके साथ जो मैं शेयर करने वाला हूँ सबसे पहले आपको मिल जाएगी, और कल के दिन और हर दिन गाइस आप अच्छा खासा प्रॉफिट घर लेकर जरूर जाएंगे। सो गाइस अलविदा, मैं आपसे मिलता हूँ कल नई अगली वीडियो के साथ। शिवांश भसीन साइनिंग ऑफ।